वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लेक्चर। हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था रिसेसिव एपिस्टेसिस पर, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसमें आपको बताया था कि भाई जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो आपको खुद करवा कर देखना है और उसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। क्लियर? तो जिन बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है, जिसमें से हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जैसे याशिका बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, 9:3:4 जो है वो इसका फिनोटाइपिक रेशो रहेगा। खुशी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। आदर्श भाई, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, रेशो आपको आंसर, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो आपको आंसर देना ही है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिससे एग्जैक्टली मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो आंसर्स आप लिखकर भेजिए, जल्दी से जल्दी भेजिए, जिससे मैं आपके इन आंसर्स का रिप्लाई भी दे सकूँ। क्लियर? तो जो हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस था, उसका फिनोटाइपिक रेशो हमें 9:3:4 रेशो मिलता है, जिसमें अगोटी पैटर्न वाले हमें 9 मिलते हैं, कलर्ड जो माइस थे वो 3 ही मिले और जो एल्बिनो माइस थे वो हमें 4 मिलते हैं। ठीक? तो आई थिंक आपको एपिस्टेसिस वाला फिनोमिना कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रोमोसोम्स। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। देखिए भाई, अगला जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। पिछले जो क्लासेस मैंने ली हैं उन सब में हर एक चीज को आपको बताया, लेकिन भाई आपको भूलने की बड़ी अच्छी आदत है, तो वो चीज़ दोबारा से आप लोग को वो चीज़ याद करवानी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा जो है वो समझते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम होता क्या है। क्लियर? तो क्रोमोसोम्स क्या है देखते हैं भाई। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। हेरिडिटी मटेरियल ऑफ सेल या हेरिडिटी मटेरियल ऑफ बॉडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी मटेरियल। ठीक, हेरिडिटी मटेरियल है। अगला लिखते हैं, स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट, हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। देखिए भाई, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हेरिडिटी मटेरियल ऑफ सेल कहलाते हैं। हेरिडिटी मटेरियल आपको फर्स्ट क्लास जेनेटिक्स की, हेरिडिटी मटेरियल वो मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर दोज मटेरियल विच ट्रांसफर द हेरिडिटी कंटेंट which transfer the characters, which transfer the genes from one generation to another generation. Clear? तो क्रोमोसोम्स याद कीजिए, मैंने आप लोग को सेल डिवीजन पढ़ाया था, उस सेल डिवीजन में आपको क्रोमोसोम्स के बारे में काफी कुछ डिटेल में समझाया था। क्लियर है? क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46। कितने होते हैं? 46, लेकिन जब हम पेयर में बात करेंगे तो पेयर कितने रह जाते हैं? 23 पेयर रह जाते हैं। क्रोमोसोम्स को हम फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवरी। इन दोनों ने ही हमें ये बताया कि जो मेंडल के फैक्टर थे, जिन्हें हम आज जीन बोलते हैं, जो किसी ना किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ये
ऊपर ही होते हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक व्हीकल है और जीन्स जो हैं वो राइडर हैं। मतलब जीन्स जो है वो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए हैं और ये क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा वो जीन जो है वो क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा, जिस भी जनरेशन में ट्रांसफर होना होगा। क्लियर है? तो ये हम थ्योरी को और डिटेल में आगे हम जरूर देखेंगे, लेकिन अभी केवल हम क्रोमोसोम का बेसिक चीज जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स क्या हुए? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि यही है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्रोमोसोम के बारे में कुछ चीज़ें रिकॉल हुई होंगी। इन सब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ कि भाई एक्स शेप वाई शेप कैसे बनती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही जब हमने सेल के पूरे चैप्टर को उठाया था तब हमने क्रोमोसोम के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि किस हिस्से को क्या बोलते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल हम देखते हैं क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो लगभग इस तरीके का होता है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये वाले, इन्हें ये होते हैं दोनों बहनें, जिन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, सेम विद दिस, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। और ये जो सेंटर में जिससे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर? तो क्या पढ़ा भाई? ये हमारे क्रोमेटिड्स हो गए, दोनों आपस में हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के होंगे। अगर इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम लगेगा, यहाँ पे अगर दूसरा भी है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्लियर है? ये कैसे होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, इनका रिलेशन कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, अगर हम एक ही क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। जहां से जाकर ये अटैच्ड हुआ है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इस कॉइलिंग को, ठीक है, इस क्रोमोसोम की कॉइलिंग को अगर मैं खोलना शुरू कर दूं, ठीक है, इस कॉइलिंग को क्या करना शुरू कर दूं, ओपन करना, इसको इस तरीके से खींचना अगर शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा भाई? यहां से हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए, हमने कई बार क्रोमोसोम्स, डीएनए, क्रोमेटिड्स, इन सब चीजों के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इनके बीच में रिलेशन जो है वो हम एग्जैक्टली नहीं बना पाते हैं। क्या रिलेशन होता है? देखिए, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत लंबा सा धागा थ्रेड फॉर्म में, मतलब थ्रेड जो है वो ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। ठीक है, उस स्टेज पर हम इसे बोलते हैं क्रोमेटिड। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने की प्रिपरेशन करना शुरू करती है तो उस समय पर न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होगा उससे कुछ ही टाइम पहले वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाएगा भाई? वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा और इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। क्लियर है? अब ये क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा भाई? सेल डिवीजन होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस, माइटोसिस, बहुत सारी कहानी है। सेल डिवीजन होगा, तब उसके बाद क्रोमोसोम का आधा स्ट्रैंड जो है वो एक सेल में जाएगा और आधा स्ट्रैंड जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब दो डॉटर सेल बनी है तो आधा एक डॉटर सेल के पास और आधा किसके पास? एक डॉटर सेल के पास ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो क्या हुआ भाई? जब सेल डिवीजन हुआ तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। सेल डिवीजन जैसे ही परफॉर्म हो चुका है, कंप्लीट बन चुका होता है, क्रोमोसोम वापस से उसी बिखरे हुए धागे की तरह फैले हुए थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस हाईली कॉइल्ड फॉर्म को जब हम ओपन करना शुरू करते हैं, उसको और खींचना शुरू करते हैं, तो हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है। मतलब क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सभी हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। और डीएनए की सबसे बेसिक यूनिट वो हम
स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। डीएनए की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी हो गई? जीन है। क्या है? जीन। ठीक, तो मतलब जीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। याद कीजिए, डीएनए को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसमें हमें ए टी जी सी ये चारों प्रोटीन्स जो हैं, जिन्हें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में हमने डिवाइड किया था, ये हमें मिलते हैं, जो आपस में मिलकर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और दोनों स्ट्रैंड को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डीएनए हो गया। तो ये तो बात हुई हमारे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो वर्ड है, क्रोमोसोम जो टर्म है, वो साइंटिस्ट वेल्डर ने दिया था। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था? साइंटिस्ट वेल्डर ने। ठीक है, वेल्डर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में इस टर्म को दिया था। फिर सटन एंड गोवरी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ही अपनी एक नई थ्योरी जो है वो हमारे सामने रखी। इन्होंने बताया कि जो जीन्स हैं, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर कहा था, ये जीन्स जो हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, डीएनए के ऊपर हमारा जीन है, ये जीन कहाँ होगा? क्रोमोसोम के पास ये जीन प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रैंड जहाँ जाएगा वो इस जीन को लेकर अपने साथ आगे बढ़ता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले इसी चेन को आगे बढ़ाते हैं। क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो क्रोमोसोम्स के टाइप में हम पहले देखेंगे ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? एज यू नो, अभी मैंने बताया कि ह्यूमन के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, बट जब हम पेयर में बात करते हैं तो दीज आर 23 इन नंबर्स। क्लियर है? पेयर में बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 23 इन पेयर। आप खुद ही देख सकते हैं भाई, 23 का पेयर बनाओगे तो डबल करोगे तो 46 ही आना है। सिंपल सी बात है ये। ठीक, लेकिन देखिए, इस 23 का भी अगर हम पेयर बनाते हैं तो हमें 22 क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में मिलते हैं। केवल एक क्रोमोसोम जो है वो रह जाता है हमेशा। ऐसे इसमें देखिए, आपको 44 जो है वो पेयर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद दो क्रोमोसोम जो है वो फिर भी बाद में रह जाते हैं। तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, ये हर ह्यूमन में एक जैसा, मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बिल्कुल सेम होंगे, तो ये 44 क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद 45 और 46, ये दो क्या हैं फिर? क्लियर है? 44 की तो हमने बात कर ली कि ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं, जो कि मेल फीमेल और हर ह्यूमन में एक जैसे होते हैं, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो जीन, एक जीन जो मेरे अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है, कोई एक जीन लेते हैं हम, जीन है हमारे पास ए, और ये मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, और यही जीन जो है वो दूसरी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो आपके अंदर भी इंसुलिन बनाएगा। क्लियर है? वो आपके अंदर भी क्या करेगा? इंसुलिन का फॉर्मेशन ही करेगा। तो क्या हुआ, मतलब ये 44 क्रोमोसोम्स के पास जो भी जीन्स प्रेजेंट थे वो सबके पास सेम थे और सेम कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने 45 और 46 क्रोमोसोम की। ये जो दो क्रोमोसोम्स बचते हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहलाता है ये? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा वो गर्ल होगा और बॉय होगा। ठीक है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में हमें ये सेक्स क्रोमोसोम डबल एक्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब ये भी हमें हमेशा पेयर में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। तो अगर बॉडी फीमेल है तो हमें कैसा मिलने वाला है? एक्स एक्स। ठीक है, तो ये जो भी चाइल्ड होगा वो कैसा होगा? बेबी गर्ल होगा। क्लियर? और अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में हमें एक एक्स मिलता है और दूसरा कैसा मिलता है? वाई मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ वर्ड्स को देखिए। ये जो फीमेल की बॉडी है, ये होमोमॉर्फिक गैमीट को लेकर रखती है। होमोमॉर्फिक, होमोगैमीट, होमो हेटरो, 10 बार बताया, होमो मतलब एक जैसा, हेटरो मींस अलग अलग। ठीक है, तो क्या
गया यहाँ पे होमोमॉर्फिक गैमीट्स है इसके पास, होमो गैमीट भी वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन मेल्स के पास कैसा होता है, हिट्रोगैमेटिक फॉर्म होता है या हिट्रोमॉर्फिक फॉर्म होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते और इसमें दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई ह्यूमंस की, ये केवल हमने अभी ह्यूमन के लिए ही बात की है, बाकी हम सेक्स डिटर्मिनेशन जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में इस चीज को पढ़ना है कि किसके पास किस तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये सब हम ये सारी चीजें जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो 22 पेयर था वो उसके साथ जो एक रहेगा, अच्छा प्लस लगा देते हैं, उसके साथ जो एक्स हो सकता है ठीक, या फिर वाई हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर ये वाई, देखिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, अगर ये वाई आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जैसे हम बात करते हैं कि एक फीमेल और ये मेल, ठीक है, फीमेल के पास क्रोमोसोम्स एक्स एक्स है, मेल के पास क्रोमोसोम क्या है, एक्स एंड वाई। अब इनके जो अपकमिंग प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, देखिए एक्स एक्स, क्लियर, यहां से एक्स वाई, ये वाला x, ये x, x, x और x, y। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि भाई जिस भी प्रोजेनी के पास डबल x है या होमोमॉर्फिक कंडीशन है, वो डेफिनेटली क्या होने वाली है, फीमेल। तो 50% चांसेस किसके हो गए, फीमेल के, और 50% चांसेस किसके हो गए, मेल प्रोड्यूस होने के। क्लियर? मतलब मेल को प्रोड्यूस करने की पावर किसके पास है, मेल के ही पास है। मतलब यही वाई क्रोमोसोम है, यही वाई क्रोमोसोम है जो डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता। और आप हमेशा याद रखिए, फीमेल्स के बाद ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है कि फीमेल्स के पास डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा वो अपना एक्सप्रेशन देगा, लेकिन मेल्स के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है तो वाई पर बहुत ज्यादा, मतलब वाई पर कोई क्रोमोसोम सॉरी जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो अपना एक्सप्रेशन नहीं देता है, केवल होते हैं एक्स के पास। तो एक्स पर जो भी जीन प्रेजेंट होगा वो हमेशा अपने एक्सप्रेशन देगा, हमेशा अपने आप को शो करेगा। ठीक है, वाई का कोई रोल नहीं होता है, वाई कुछ नहीं करने वाला है, एक्स ही अपना प्रेजेंस शो करेगा, एक्सप्रेशन देगा जो भी जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मेल में वो एक्स कहाँ से जा रहा है, मेल में वो एक्स ट्रांसफर कर रही है फीमेल, मतलब मदर जो है वो अपने अपकमिंग मेल्स अपकमिंग सन्स में अपना एक एक्स जो है वो ट्रांसफर करती है, और जो वाई जो है वो कहाँ से आता है, वो फादर से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि ह्यूमंस में कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। भाई हालांकि हमारे पहले के, अगर हम थोड़ा सा कुछ टाइम पहले जाते हैं तो जेंडर जानने की इच्छा लोगों में बड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे का जन्म भी नहीं होता उससे पहले ही लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं जेंडर जानने की कि बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। क्लियर है? तो कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए भाई, जिसके आप जानते ही हैं इन सब चीज़ों को, जिसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, मिलते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां लिटरेसी नहीं पहुंची है, वहां भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर जेंडर छुपाना इलीगल है, मतलब वहां डॉक्टर जो है वो पहले से ही पेरेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके यहाँ जो भी अपकमिंग बर्थ होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि उन लोग को प्रिपरेशन करना होता है कि भाई अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसका रूम जो है वो पिंक कलर का बनाया जाए, लड़का पैदा हो रहा है तो उसका रूम ब्लू कलर का। इनफैक्ट बिल्कुल उन्हें पहले से बता दिया जाता है और उसी हिसाब से, क्योंकि एक छोटे वहाँ रूल है कि एक छोटे बच्चे के लिए भी एक अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए, तो वो अपनी प्री प्रिपरेशन कर पाए, इसलिए वो जेंडर पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में इस चीज़ को सही नहीं माना गया और उसे क्या कर दिया गया, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है और
जहां तक ये शायद सही भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेल प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मेल्स की ही होती है, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ही हमारी क्रोमोसोम्स की बात, इसमें हमने ऑटोसोम्स की बात की, सेक्स क्रोमोसोम की बात की। अब हम अपना अगला टॉपिक बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। हम सारे एनिमल्स में बात करेंगे, इसमें जो मैंने अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए होमोमॉर्फिक हेटरोमॉर्फिक, इन सारी कहानियों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अपना सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए, टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसमें हम ह्यूमन का फिर से दोबारा पढ़ेंगे, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, बट फिर से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है हैंकिंग। ठीक है, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1891 में बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। और इन्होंने जो अपना वर्क किया था, इन्होंने वर्क किया था इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया, इंसेक्ट्स के ऊपर वर्क किया। और इन्होंने बताया, क्या बताया, कि भाई इंसेक्ट, अभी हमने पढ़े ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, तो इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। भाई सेक्स क्रोमोसोम से ही जेंडर जो है वो डिसाइड होने वाला है या सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। तो इन्होंने इसकी स्टडी की, इंसेक्ट्स में स्टडी की। तो स्टडी करने के बाद इन्होंने ये देखा कि 50% जो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म्स का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उन्होंने देखा कि 50% ऑफ स्पर्म में क्या था, एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर जो है वो उन्हें दिखाई दे रहा था। मतलब 50% स्पर्म ऐसे थे जिनके पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और 50% ऐसे थे जिनके पास कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। मतलब क्या हुआ, भाई एक स्पर्म ऐसा है जिसके पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और 50% स्पर्म्स ऐसे हैं जिनके पास कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास, और उन्होंने इस डिफरेंट स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी। ठीक है, इन्होंने इस डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, भाई एक्स बॉडी नाम दिया। और ये इस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बाकी के बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, और उन्होंने इस एक्स फैक्टर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम रखा गया इसका, एक्स क्रोमोसोम। मतलब 50% आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस 50% स्पर्म्स जो हैं उनके पास एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और 50% ऐसे स्पर्म्स होते हैं जिनके पास क्रोमोसोम या एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। बस यहीं से कहानी शुरू हो गई, जिसके पास एक्स बॉडी प्रेजेंट थी वो हमारा क्या कहलाया, मेल कहलाया, और जिसके पास एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं थी वो फीमेल बना। क्लियर है? तो इस तरीके से मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बातें अच्छे से नहीं समझा पाए थे, लेकिन सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को एनिमल्स में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैंकिंग थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एनिमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, और उन्होंने ही एक्स बॉडी जो है वो सबसे पहले सबके सामने लाए। फिर उसके बाद ये एक्स क्रोमोसोम में आगे चलकर ये एक्स बॉडी ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो कहलाना शुरू हुई। क्लियर है, समझ आया? चले, इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्स डिटर्मिनेशन के पैटर्न की स्टडी करेंगे, कि भाई हैंस में किस तरीके का होता है, वर्ड्स में किस तरीके का होता है। और हम यहाँ थोड़ा सा स्टडी करेंगे अपनी जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, जिसका नाम है ड्रोसोफिला फ्लाई के बारे में, जिसको कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।